For the day, and आज का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आज का प्रॉफिट जो मैं हुआ है वो 17,658 हुआ है। अभी हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट कैसे आया। सो हमको ओवरनाइट अर्नर में आज 2.48% रिटर्न मिला। देख सकते हैं जैसे इधर 20,000 हमको मिला, तो ओवरनाइट में बहुत ही अच्छा डीके हुआ, पर इंट्राडे में बहुत टफ हो गया था, एक्सपायरीज थे और बहुत ही कम प्रीमियम थे, पर ओवरनाइट स्ट्रेटेजी अच्छे से परफॉर्म की। ओके, अब हम स्ट्रेटेजी वाइज देख लेते हैं कि बाकी सब स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म किया। तो आप इधर देखोगे तो आज पैसिव इनकम अर्नर ने टारगेट हिट किया, ईएमआई पैसिव इनकम अर्नर है उसने टारगेट हिट किया। ओके, फिर हमारा बैंक निफ्टी लिमिटेड कैपिटल ने स्टॉप लॉस हिट किया। फिर आप देखेंगे बैंक निफ्टी डायनेमिक अर्नर टारगेट हिट हुआ, बैंक निफ्टी थीटा अर्नर टारगेट हिट हुआ, निफ्टी डायनेमिक अर्नर टारगेट हिट हुआ, पैसिव इनकम अर्नर लिमिटेड कैपिटल टारगेट हिट हुआ, निफ्टी थीटा अर्नर हमारा जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हो गया। इसमें रेंज ब्रेकआउट होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हो गया। ओके, फिर आप देखेंगे ओवरनाइट अर्नर तो आपको जैसे बहुत ही टेरिफिक रिटर्न दिए, फिर ये बाकी सब बैंक निफ्टी लिमिटेड कैपिटल के जो है वो रिजल्ट्स है। अब हम चार्ट्स में जाके देखते हैं आज क्या हुआ। हम चार्ट में जैसे ही देखेंगे, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है अपने, ये आज चार्ट में ये देखते हैं हम। तो हमें आज स्ट्रैडल जो मिला वो 17,150 में मिला और 17,100 में मिला। तो हमारे मार्केट हमारे रेंज में घूम रही थी एंड फिर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया और फिर वो जाने लगी डायरेक्शन। तो हमारे काफी स्ट्रेटेजी के काफी प्रॉफिट हिट हो गए एंड आप देखोगे कुछ स्ट्रेटेजी कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट हुए, क्योंकि उसके बाद वो ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ उसके नीचे जाके ऊपर गया, तो उसके लिए रेंज ब्रेकआउट हो गया, तो वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अभी हम दूसरी जो बात करेंगे आपसे वो बैंक निफ्टी लिमिटेड पे। तो आज मार्केट गैप अप होकर बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और हमें 36,100 का स्ट्राइक मिला। तो ये आज का कैंडल है वो, फिर मार्केट वन वे नीचे जा रही थी। तो ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये आज की कल्प्रिट थी। ये कैंडल में बहुत सारे एसएल उड़ गया हमारी स्ट्रेटेजीज के, फिर मार्केट वापस यू टर्न पकड़ा। तो उसके कारण कुछ स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम में काफी स्पाइक हुआ। जब ये लो प्रीमियम होते हैं ये होता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि निफ्टी जो स्ट्रेटेजी, अभी आप इधर जाएंगे। ओके, तो आप अगर समझो इधर जाएंगे, ये निफ्टी थीटा निफ्टी हम लोग जाके देखेंगे निफ्टी डायनामिक अर्नर। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है निफ्टी डायनामिक अर्नर ने। अभी हम देखेंगे ये महीने आप देखेंगे तो ये ग्रीन डे, आज का ग्रीन डे, कल छोटा सा लॉस है, परसों भी छोटा सा प्रॉफिट है, ये सब छोटा छोटा होगा, वापस टारगेट लॉस टारगेट। तो आप देखोगे ये कंसिस्टेंट, जब टारगेट देती है बहुत ही कंसिस्टेंटली टारगेट देती है और लॉस इतनी आसानी से होने नहीं देती। निफ्टी है तो थोड़ा बैलेंस रहता है इंडेक्स और थोड़ा मूवमेंट कम रहता है, इसके लिए ये थोड़ी सेफ स्ट्रेटेजी में थी। इसमें कैपिटल जो आप देखो ओनली 1,20,000 है, जो बाकी बैंक निफ्टी के स्टैंडर्ड में कैपिटल यूजली 1,80,000 होता है, इसमें ओनली 1,20,000 है। और अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखेंगे जो हमारी लाइव परफॉर्मेंस है, तो देखो ये लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें निफ्टी थीटा ने सॉरी निफ्टी डायनेमिक अर्नर 4.86% रिटर्न दिया है। ये महीना जो इतना टफ जा रहा है उसमें भी ये स्ट्रेटेजी ने 4.86% रिटर्न दिया है। और इसका मंथली रिटर्न भी देखोगे ना, देखो इसका मंथली रिटर्न भी लास्ट मंथ इसने 3.98% रिटर्न दिया है। तो अराउंड 4% रिटर्न लास्ट मंथ दिया है और ये महीना अराउंड 5% रिटर्न दिया है। तो 9% रिटर्न 2 मंथ्स में बहुत ही कम ड्रॉडाउन के साथ हुआ है। एंड ऑल्सो अब अगर हमारे रेफरल के थ्रू अकाउंट खोलेंगे IIFL या फिर एलिस ब्लू में, ओके, तो आपको एक तो IIFL में सिर्फ 5 रुपीज पर लॉट पे आपको ट्रेड करने का, तो वो बहुत ही चीप है और ये प्रॉफिट शेयरिंग जो हमारे साथ है वो नहीं बना पड़ेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये एकदम एफिशिएंट आपका हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। एंड सेकेंड चीज, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ये ग्रुप में हम डिस्कशन करते हैं, ये ग्रुप में हम एडमिन अनाउंसमेंट करते हैं। एंड ऑल्सो आप ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं और फिर रिजल्ट भी पोस्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी और भी क्वेरी हो तो आप ये टेलीग्राम आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको पर्सनली गाइड करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपका प्रॉफिटेबल एक्सपायरी रहा एंड विल मीट यू टुमारो।